कैबिनेट मंत्री। सदन की कार्यवाही से निकलते वक्त दिखी राहुल गांधी की अनूठी तस्वीर, पहले लकड़ी के गिरे स्टैंड को उठाया फिर आगे बढ़े। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर भी पहले दिन सत्र के दौरान कार्यवाही में पहुंचे, लौटते वक्त मुद्गल कमेटी पर पूछे सवालों का नहीं दिया जवाब। मोदी ने विपक्षी पार्टियों से की अपील, बोले देश के निर्माण में करें सरकार का सहयोग। लेकिन संसद में बैठने वाले सबको देश चलाने का जिम्मा दिया है और संसद में बैठे हुए सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के काम को प्राथमिकता देते हुए संसद का सत्र बहुत ही फलदायी हो, ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से देश हित के बहुत उत्तम काम होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में अपने दफ्तर में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आगे की रणनीति पर बैठक की, सुषमा, राजनाथ, वेंकैया, अरुण जेटली हुए शामिल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा काला धन लाने के वादे पर नाकाम रही सरकार। इंश्योरेंस बिल पर मायावती ने जेडीयू नेता केसी त्यागी पर साधा निशाना, बोली अपनी पार्टी की रणनीति पर दे सकते हैं राय, हमारे लिए नहीं। इंश्योरेंस वाला जो है तो ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है और अभी तक सेलेक्ट कमेटी ने फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो जब वो डिसीजन ले लेंगे तो ये फिर हाउस में आएगा, तो उसके बाद ही हमारी पार्टी कोई निर्णय लेगी। बीएसपी ने अब तक नहीं किया इंश्योरेंस बिल को लेकर कोई ठोस फैसला, मायावती ने कहा अगर पार्टी का सुझाव माना गया तो नहीं करेंगे विरोध। इंश्योरेंस वाला जो है तो ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है और अभी तक सेलेक्ट कमेटी ने फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान, इंश्योरेंस बिल पर हम सभी विपक्षी पार्टियों से करेंगे राय मशविरा, बनाएंगे एक राय। अपना भविष्य जानने राजस्थान के एक ज्योतिषी के पास पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री ने दिखाया ज्योतिषी को अपना हाथ और पूछा भविष्य। कल भीलवाड़ा में ज्योतिषी नाथूलाल व्यास के घर पहुंची थी स्मृति ईरानी, उनके पति जुबिन भी थे उनके साथ, इससे पहले भी दो बार मिल चुकी हैं स्मृति। बहुत बढ़िया रहेगा, खेल दिया उसको, कोई चिंता नहीं करना। क्या इस कुर्सी पे भी ऊंची कुर्सी पे जाएंगे? तो ऊंची कुर्सी है, इसमें भी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। विवाद पर स्मृति ईरानी की सफाई, बोली मेरे पास तो जनपत्री ही नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप, जानबूझकर पैदा किया जा रहा है भ्रम, बोली अगर टीआरपी बढ़ती है तो खबर दिखाए मीडिया। नहीं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर मुझ पे आक्रमण करके और विशेषता व्यक्तिगत आरोप और छींटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। जेडीयू ने इस ताजा विवाद के बहाने साधा निशाना, अली अनवर ने कहा स्मृति फैला रही है अंधविश्वास। अंधविश्वास फैला रही है, हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बीएसपी प्रमुख मायावती का स्मृति विवाद पर टिप्पणी से इनकार, बोली मैं नहीं करती ज्योतिषी पर विश्वास। मैं ये ज्योतिषी वगैरह में विश्वास नहीं रखती, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, मैं कर्म में विश्वास रखती। कांग्रेस ने भी स्मृति विवाद पर बोलने से किया इनकार, आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनका निजी मामला, विवाद पर टिप्पणी से इनकार।
मनीष शंकर अय्यर बोले, मैं स्मृति ईरानी को दूंगा बधाई, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री को विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री का किया बचाव, मुस्कुराकर उमा ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगी। शिवसेना ने ज्योतिष को बताया शास्त्र, संजय राउत बोले जिसे उसमें विश्वास है वो माने, स्मृति मामले में नहीं मचनी चाहिए हाय तौबा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा का निधन, मुंबई में आज तड़के 3:30 बजे ली अंतिम सांस। 1984 में पहली बार दक्षिण मुंबई से लोकसभा सांसद बने थे देवड़ा, 77 साल की उम्र में हुआ निधन। आज शाम 4 बजे मुंबई में किया जाएगा अंतिम संस्कार, उससे पहले कांग्रेस के दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता आनंद शर्मा मुंबई रवाना, मुरली देवड़ा की अंत्येष्टि में होंगे शामिल। शिवसेना एनसीपी ने भी देवड़ा के निधन पर जताया शोक, प्रफुल्ल पटेल ने कहा उनका निधन एक बड़ी क्षति। सार्क सम्मेलन के दौरान काठमांडू तक ही सीमित रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक घरेलू व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव, पहले जनकपुर भी जाने वाले थे प्रधानमंत्री। 26 नवंबर से नेपाल में शुरू हो रहा है सार्क सम्मेलन, आगे अवसर मिलने पर प्रधानमंत्री नेपाल में दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। नेपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर नहीं जाने से लोगों में नाराजगी, सड़कों पर उतरकर नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वीरगंज और लुम्बिनी के लोग भी नाराज, मोदी के नहीं आने से गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के डाल्टनगंज और गुमला में सोनिया गांधी ने की चुनावी रैली, पीएम मोदी पर किया हमला, कहा सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे किए। सोनिया का मोदी सरकार पर आरोप, केंद्र की नई सरकार ने यूपीए की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, बोली 35 करोड़ खाते हमने भी खोले। सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं मौजूदा चुनौतियों का सामना, विश्व को दे सकते हैं सही दिशा, विश्व हिंदू कांग्रेस में आरएसएस सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी का बयान। भैयाजी जोशी ने कहा सामने है पहचान बनाने का संकट, क्रूरता को खत्म कर शांति स्थापना को बताया सबसे बड़ी चुनौती। मुंबई में जेजे फ्लाईओवर पर बीती रात 2 बाइक और 2 कारों की भिड़ंत, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत, आजाद मैदान में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे घर, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को पीछे से मारी टक्कर, गिरने के बाद दूसरी कार ने युवकों को रौंदा, पुलिस ने जब्त की बाइक और कारें। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में बीती रात रोड रेज की वारदात, सेंट्रो कार में सवार 2 नाबालिग बच्चों ने फॉर्चुनर को मारी टक्कर, आरोपों के अनुसार बच्चों के पिता ने समझाने के बजाय गाड़ी मालिक से की मारपीट, फॉर्चुनर में बैठी महिला से भी हुई बदतमीजी और पिटाई का आरोप, पीड़ित का आरोप, पुलिस ने नहीं किया सहयोग, थाने में घंटों बैठने के बाद दर्ज हुआ केस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में लूटपाट के इरादे से एक युवक को गोली मारकर किया गया जख्मी, मोबाइल लूट कर बदमाश फरार, मामला दर्ज, तलाश में पुलिस। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की नाबालिग लड़की से भूटान में रेप के बाद हत्या, घरेलू काम के लिए पिछले हफ्ते ही गई थी भूटान। पीड़ित परिवार ने इंटरनेशनल भूटान रोड पर प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शनिवार शाम मुंबई में 16 साल की लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर दी जान, मृतक लड़की के हाथ पर लिखा था आई हेट कमलेश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 7 पढ़ने वाले कर रहे थे मृतक को परेशान। यूपी के जालौन में पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा जुआरी, पानी में डूबकर हुई मौत। पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के लिए मारा था छापा, चश्मदीदों के मुताबिक युवक को बचाने की बजाय पैसे बटोर रही थी पुलिस। लुधियाना के सिविल अस्पताल में 5 नवजातों की मौत, 1 दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्टर ने किया था अस्पताल का उद्घाटन।
घटना की जांच के आदेश, पीड़ितों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, एक की हालत नाजुक। जेल से अपने परिचित से मिलकर फॉर्च्यूनर से आ रहे थे तीन युवक, पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका। डिब्रूगढ़ के करीब राजगढ़ में हैंड ग्रेनेड से हमला, एक की मौत, दो की हालत गंभीर, 16 लोग हुए थे घायल। ट्रक को बनाया गया था निशाना, उल्फा उग्रवादियों पर हमले की आशंका। पीलीभीत में एसपी आवास पर तैनात कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 10 दिन बाद थी कांस्टेबल की शादी, मृतक के पास से मिला सुसाइड नोट। हिमाचल के सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 9 की मौत। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई, एन श्रीनिवासन ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बहाली का किया है अनुरोध। बंद लिफाफे में दिए गए खिलाड़ियों के नाम पर भी होगी नजर, सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों के नाम नहीं किए हैं उजागर। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद टीम इंडिया ने एडिलेड में प्रैक्टिस किया, अभ्यास सेशन के दौरान कप्तान विराट कोहली ने तीखे तेवर दिखाए। कोहली ने किया दावा, आक्रामकता में भारतीय टीम मेजबान से पीछे नहीं रहेगी। आज से भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ 2 दिन का अभ्यास मैच, 4 दिसंबर से है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1, वनडे में दूसरे से तीसरे पायदान पर पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में आखिरी वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने वनडे रैंकिंग पर जमाया कब्जा, 4-1 से अपने नाम किया 5 वनडे मैचों की सीरीज। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डी कॉक की सेंचुरी नहीं आई टीम के काम, डी कॉक ने 123 गेंदों में बनाए 107 रन। विश्वनाथन आनंद को हराकर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब बरकरार रखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में 11वीं बाजी में पिछड़े आनंद। स्विट्जरलैंड ने पहली बार जीता डेविस कप, फाइनल में फ्रांस को हराया।